नितिज्ञ गुप्ता जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। नितिज्ञ, क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जारी है और आज पहला फेज है, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा तस्वीरें? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुबह से मतदान चालू है और मैं बात करूं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में सुबह 7 बजे सर्द मौसम की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे का वो काफी कम रहा, लेकिन उसके बाद परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम बात करें बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं आती है, 7 विधानसभाओं में जो पहले 2017 में 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार सीधे गठबंधन से टक्कर देखी जा रही है। लेकिन मैं आपको एक सुबह का मामला आपके संज्ञान में डाल दूं, जिस तरीके से सुबह एक ताजा जो एक जुनून देखने के लिए हम बोल सकते हैं कि जुनून देखने के लिए मिला है, एक व्यक्ति जो बुलंदशहर की सेना विधानसभा से आता है, नाम है मुकेश त्यागी। लगभग 3.5 महीने से वो इस बीमारी से ग्रस्त है और उनका पेट का एक बड़ा ऑपरेशन भी हो चुका है, वो लगभग 1 महीने पहले हुआ था। वो एक मिनी आईसीयू में, उन्होंने एक मिनी आईसीयू बनाया है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूं अपने दर्शकों को भी, कि इसमें उनके जो कैनोला भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और एक जो हम बोल सकते हैं इसे फ्लूड, ये फ्लूड भी दी जा रही है दवाई के रूप में, उन्हें उनका दवाई, इसे मिनी आईसीयू बनाया गया, इस आईसीयू में ये मतदान स्थल तक पहुंचे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से ये बीमार है, लगभग 3 महीने से लगातार बीमार थे और अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे मतदान करना है। तो बुलंदशहर से ये जो तस्वीरें हैं सुबह से सभी चैनलों पर वायरल हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ जनतंत्र टीवी इनसे बात करने की कोशिश करेगा जितनी बात ये कर सकते हैं, क्योंकि बीमार है, बीमार स्थिति में किसी भी आदमी से ज्यादा बात करनी भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये एक ट्रैक्टर का इन्होंने एक पूरा एक रूम टाइप तैयार कर दिया है, इसका नाम मिनी आईसीयू है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भी पूरी मात्रा है, ऑक्सीजन भी है, फ्लूड भी है और इनकी दवाइयां जो है, और इनके केयर टेकर भी है डॉक्टर, और इनके भाई जो है इनकी पूरी केयर कर रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे इनको क्या बीमारी थी और इनको जो जुनून है मतदान करने का, और जो लगातार प्रशासन और निर्वाचन आयोग और जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य दल हैं सभी ने एक प्रण लिया था कि वोट जरूर करें, तो उसको देखते हुए इन्होंने जो ये प्रण लिया है और ये वोटिंग करने गए थे आज, तो इनको हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने वोटिंग की। क्या नाम है आपका, आपको क्या बीमारी है? मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, किडनी में इन्फेक्शन है। अच्छा, कितने दिन आप एडमिट रहे? 3-3.5 महीना। 3.5 महीने। आपको इतना जुनून वोट डालने का कहाँ से, किससे आपने सीखा, क्या मतलब आपको किसी ने प्रेरित किया या किसको सुन के या देख के आप प्रेरित हुए इतने? यू मेरे अंदर ही मन में ही वोट मुझे जरूर देनी है, यू हमारा अधिकार है, इसे कभी मानना नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया हूँ 3 दिन की। देखिए अमरजीत, इन्होंने जैसे बताया कि 3 दिन की छुट्टी लेके ये बुलंदशहर अपने घर सियाना विधानसभा में एक वोट देने आए हैं। इनके भैया हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों इन्होंने आप इन्हें लेके आए हैं। और काफी देखिए, एक इंसान जब बीमारी होती है तो इंसान वैसे चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो किसी भी स्थिति से टूट जाता है, लेकिन इन्होंने वोट डालने के लिए इस मिनी आईसीयू का निर्माण कराया है और ये देख रहे हैं। हम इनके भैया से बात करेंगे कि इनको जो प्रेरणा है, जो आज इन्होंने वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग करा है, तो लोकतंत्र का ऐसे महापर्व माना जाता है, इन्होंने वोट का भी अपना प्रयोग किया है, तो काफी उत्साहित लोग भी हैं, लेकिन इन्हें जो कठिनाइयों का, ये 3 दिन के लिए, केवल 3 दिन के लिए, ये कल रात आए हैं, कल रात को चले जाएंगे, 3 दिन के लिए अपोलो से छुट्टी लेके आए हैं सिर्फ अपने मत का प्रयोग करने। हम इनके भैया से बात करेंगे कि इनकी क्या स्थिति है, क्या बीमारी थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम त्यागी है। इनको क्या, इनके साथ क्या दिक्कत थी जो ये 3 महीने से एडमिट थे? ये इसकी आंतों का ऑपरेशन हुआ है बहुत बड़ा, और ये 3.5 महीने से जो है अपोलो के अंदर भर्ती था, और अपोलो के जो HOD है डॉक्टर PK दास, ये उन्हीं के देखरेख में इसका इलाज चल रहा है आज भी, और हमने इसने काफी बहुत रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर PK दास से, जबकि उन्होंने इजाजत नहीं दी थी जाने की, लेकिन फिर भी इसके इतने आग्रह को देख के डॉक्टर PK दास ने इनको 3 दिन का जो है छुट्टी दी है, और उसके साथ पूरा ये सिस्टम भेजा गया है। इसके साथ एक MBBS डॉक्टर इरफान साहब भी इसके केयर टेकर है, इस वक्त वो देख रहे हैं यहाँ। तो यार ये मतदान देख आया था, जुनून था इसके अंदर मतदान करने का, इसने कहा था कि मैं मतदान जरूर करूंगा, जबकि ये बड़ी गंभीर जो बीमारी से ग्रसित है, लेकिन हमने भी इसका ख्याल रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये 10x32 फुट का एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें एयर कंडीशनर भी है, नेबुलाइजर भी है,
ऑक्सीजन भी है, फ्लूड भी है, और जो है जो मशीनें लगी हुई हैं अन्य तरीके की भी, ये सब इसकी देखरेख में है। तो इसने आज मतदान किया है वहां और काफी लोगों ने इसे सराहा भी है कि, और एक जुनून भी पैदा हुआ। और इसके बाद जब से इसने वोट डाला है 10-11 बजे के करीब से, उसके बाद देखने के बाद मतदान भी बढ़ा है, इसे देखने के बाद मतदान भी बढ़ा है। देखिए अमित, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनके भैया ने बताया कि जो इनके अंदर जुनून है, जुनून के कारण ही आज इन्हें अपने मत का प्रयोग किया है। तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि लोगों में वोट प्रतिशत बढ़ाने का और अपने मत का प्रयोग करने का पूरा जो एक संकल्प जो हम बोल सकते हैं वो इन्होंने लिया है। और मैं आपको दिखा सकता हूं साफ कैमरों में, अपने दर्शकों को दिखा सकता हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये जो है ये कितने बीमार हैं। आप देखिए इनके साथ लगातार ऑक्सीजन है, फ्लूड है, ऑक्सीजन मास्क है, इनकी दवाइयां भी हैं। तो आप ये देखिएगा कि एक ये जुनून जो है, आदमी पैरालिसिस हो जाता है हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो जुनून है मत का प्रयोग जो किया है जिन्होंने, तो ये काफी, हम भी जनतंत्र टीवी इसकी सराहना करता है और लोगों से बोलता है कि वोट करिए। जी अमनदीप, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.